सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी भी स्टडी रिलेटेड पॉइंट पे नहीं बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये कोरोना महामारी का जो प्रकोप है ये हमारे भारत देश में फिर एक बार बढ़ता जा रहा है, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी को एक अफवाह बता रहे हैं कि ये बीमारी एक अफवाह है। तो आज की वीडियो पर्सनली मैं उन लोगों के लिए ही बना रही हूँ जो लोग कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है, जो कोरोना वायरस है, ये एक अफवाह है। तो दोस्तों, मैं उन खास लोगों के लिए ही ये कहना चाहूँगी कि मान लीजिए कि कोविड 19 एक अफवाह है, लेकिन हमारे पर्यावरण में कोविड 19 से भी कई ज़्यादा गुना खतरनाक बहुत सारी बैक्टीरिया मौजूद हैं और जिनसे बचने के लिए हमें सतर्क रहना ज़रूरी है, और उनसे बचने का साधन हमारी अपनी जागरूकता है। हम आमतौर पर पब्लिक प्लेस के बीच में जाते हैं तो मान लीजिए कि वहाँ पे किसी को चर्म संबंधी कोई भी रोग हुआ हो, और अगर आप उसके संपर्क में बिना किसी सैनिटाइजर, बिना कोई सावधानी बरते जाओगे तो उसका जो संक्रमण है वो सीधी सी बात है कि आपको भी अपने चपेट में ले लेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जैसे कि टीवी हुआ हो और आप उसके सीधे संपर्क में हो और आप बिना मास्क के गए हो, तो बिना मास्क के गए हो तो जैसे ही वो खांसी करेगा उसका जो भी बैक्टीरिया है वो आपके शरीर में प्रवेश करेगा। और फिर आजकल तो जगह जगह पे कंबाइन मशीन, थ्रेसर मशीन ये सब कुछ चल रही हैं और खूब सारा धुआं धक्कड़ निकाल रही हैं। इससे क्या होगा कि आपको सांस लेने में भी तकलीफ रहेगी, और अगर आप मास्क लगाओगे तो ये तकलीफ आपको नहीं होगी। तो फिर आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि मास्क लगाए रहिए, अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर जा रहे हो तो 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर कीजिए, इससे आपकी जान को भी कोई खतरा नहीं रहेगा। धन्यवाद।